गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एबीपीबी ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। और आज जो लेडी आज प्रेजेंट करने जा रहे हैं उनके बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगा। और मेरा कहना यह है कि कई सालों तक लगातार नेटवर्क बिजनेस से जुड़े रहने के साथ में उन्होंने बहुत इस लाइन में एक्सपीरियंस जो है अपना लिया है। और मैं जानता हूं कि आज अगर मैं उनके बारे में बात करूं तो शायद 2003 से वो नेटवर्क बिजनेस से जुड़े हुए हैं। और जैसा कि आप लोग बहुत सारे लोग जानते हैं कि 2008 से वेस्टीज में जुड़े रहे और अभी तक लगातार जो है अच्छी इनकम भी कर रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो जब ये इन्होंने काम शुरू किया था, तब काम शुरू किया तब बिल्कुल अकेले ही शुरू किया था, क्योंकि जैसा आपको मैं अपनी स्टोरी में कई बार बता चुका हूँ कि मेरे को बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्ट नहीं रहता था। तो ये अकेले ही इन्होंने काम किया, अकेले ही अपने आप को आगे बढ़ाया, अकेले ही मीटिंग दी। और कई बार बैक सपोर्ट में कुछ इनकी टेक्निकल प्रॉब्लम होती थी, वो मैं जरूर इनकी सॉल्व कर दिया करता था। और इन बातों को कुछ हमारे पुराने साथी जो टीम के हैं बहुत अच्छे से जानते हैं, हीरेन भाई भी जानते हैं कि पीछे से बैक सपोर्ट जरूर रहता था लेकिन फ्रंट में वही काम करते थे सारा। इवन मैं अगर बताऊं तो 2013 में जब एक चेंज आया था, और चेंज आने के बाद वो चेंज ऐसा था कि मुझे एक गाड़ी खरीदनी थी, लग्जरी, जो पहली लग्जरी गाड़ी जो मुझे खरीदनी थी। तो उस समय जब एक अवार्ड फंक्शन हुआ खरीदने के बाद, तो मैंने पहली बार यूनिफॉर्म पहनी थी। आज आप मुझे यूनिफॉर्म में देख रहे होंगे, लेकिन पहली बार मैंने उस दिन जो है यूनिफॉर्म पहनी थी एक अवार्ड फंक्शन, क्योंकि मुझे लगा कि जब वेस्टीज मेरे को वहां तक भी सोच में मेरी परिवर्तित करवा सकता है कि मैं लग्जरी गाड़ियों के बारे में भी सोचना शुरू करूं, तो जरूर अब मुझे भी वेस्टीजियन बन जाना चाहिए। तो उस दिन के बाद से फिर मैं मीटिंग्स और सेमिनार्स में यूनिफॉर्म में आ गया, और पिछले कुछ महीनों में तो पूरी तरीके से वेस्टीजियन बना के रख दिया। क्योंकि हमारे पास लॉकडाउन में भले ही चाहे लोगों का कितना नुकसान हुआ, मेरा हुआ हो भले ही, लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा हुआ, वो ये कि हम सब एक दूसरे के साथ मिल सके, उनसे बात करते रहे, वर्चुअल मीटिंग्स करते रहे, जिससे कि सबका पोटेंशियल भी सामने आया, सबकी स्ट्रेंथ सामने आई। तो हमने वेस्टीज में अगर कहें तो कुछ खोया नहीं बल्कि कुछ पाया ही है। तो वो लेडी जो कि अभी अपने आप से अपने सारे रास्ते बनाने वाली हैं, तो उनके साथ आज हम सीखेंगे सक्सेस स्टार्ट्स विद एटीट्यूड। फ्रेंड्स, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा एटीट्यूड के बारे में, सारी चीज वही बताएंगे। और इस सेशन के बाद उनसे जो भी चीज आपने सीखी है उनको जरूर आप अपने अमल में लाना। ना केवल वो एटीट्यूड के बारे में बताएंगे बल्कि कुछ और भी लीडरशिप क्वालिटी के बारे में बताएंगे। तो ध्यान से सुनिए। और जो है अभी मैं इनवाइट करना चाह रहा हूँ प्रतिभा भटनागर, डबल क्राउन डायरेक्टर सूरत, जो कि अपना प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे। हाँ, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद मैं आई हूँ जूम पे, बहुत सारे लोग आज दिखाई देंगे मुझे, तो स्टार्ट करना है। अभी स्टार्ट कर दूँ ना? हाँ, टाइम तो हो गया है। इस स्लाइड को स्टार्ट करती हूँ और मैं ऑफ कर लेती हूँ वीडियो। Why attitude is important? Attitude is important, our body, mind and spirit. तीनों के लिए attitude बहुत जरूरी है। Attitude से पता चलता है हम दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे दूसरों को ट्रीट करते हैं। Attitude इफेक्ट करता है हमारी हेल्थ के ऊपर भी। फ्रेंड्स, जो लोग निगेटिव होते हैं उनकी हेल्थ पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर जाता है एटीट्यूड। एटीट्यूड का इफेक्ट हमारी रिलेशनशिप पर भी आता है। एटीट्यूड का इफेक्ट हमारी बॉडी लैंग्वेज पर भी आता है।
एटीट्यूड का इफेक्ट हमारे कम्युनिकेशन स्किल पे भी आता है, इवन एटीट्यूड का इफेक्ट हमारे ड्रेसिंग सेंस में भी नजर आता है। तो एटीट्यूड बहुत सारी चीजों में हमारी लाइफ में मायने रखता है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो हमारा व्यवहार या सोशल लाइफ हो, उसमें एटीट्यूड बहुत मायने रखता है। व्हाट इज एटीट्यूड? एटीट्यूड होता क्या है? एक ऐसा रवैया जो हमें दूसरों से अलग करता है, उसको एटीट्यूड कहते हैं। किसी चीज के बारे में सोचने या महसूस करने का एक व्यवस्थित तरीका एटीट्यूड है। तो फ्रेंड्स, आगे हम चलते हैं कि मेनली दो तरीके के एटीट्यूड पे बहुत बात होती है। एटीट्यूड तो हमारे जितनी भी क्वालिटी है, लीडरशिप है, अकाउंटेबिलिटी है, जितनी भी चीजें अगर हम मायने रखेंगे तो वो सब एटीट्यूड के अंदर आती है। लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव एटीट्यूड जो होता है, इसके बारे में हम लोग ज्यादा बात करते हैं। जब आपसे कोई कहता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करिए, निगेटिव एटीट्यूड हमेशा से ही नुकसान करता है और हमारे सारी प्रॉब्लम्स निगेटिव एटीट्यूड के वजह से आ जाती हैं। आपके अंदर निगेटिव एटीट्यूड हमेशा, हर समय, हर परिस्थिति को पॉजिटिवली चेंज करिए उसको, एंड आप देखेंगे कि तेजी से परिस्थितियां भी जो है वो पॉजिटिव होने लग जाती हैं। जैसे ही हम चेंज करते हैं, वैसे ही हमारी जो चेंजेस आते हैं वो पॉजिटिवली चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमें लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, जॉय चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, तो हमेशा हमको पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखना होगा। बिना पॉजिटिव एटीट्यूड के हमारे पास ये सारी चीजें नहीं आ सकती हैं फ्रेंड्स। मैं बात करूं, अगर जंगल में शेर जो राज करता है, उसका रीजन ये है कि उसका एटीट्यूड उस तरीके का है। अगर मैं बात करूं ईगल की, तो बर्ड्स जहाँ उड़ती हैं, ईगल उन सबसे ऊपर उड़ता है, तो वो उसका एक एटीट्यूड है। एटीट्यूड के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी मैं। एक छोटा सा तोता उसका मालिक खरीद के लाया और उसने तोते को एक पिंजड़े में डाल दिया। उस तोते को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि बाहर कैसी दुनिया है। तो तोते के मालिक ने एक दिन क्या किया कि पिंजरा खुला छोड़ दिया। तो एक दिन तक तो वो बाहर ही नहीं आया, ऐसे ही बैठा रहा, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आया ये खुला हुआ है तो मैं बाहर जा सकता हूँ। लेकिन दूसरे दिन उसने हिम्मत की, वो धीरे धीरे पिंजरे के गेट की तरफ आया और उस उड़ा, लेकिन वो उड़ नहीं पाया, वो गिर गया। फिर थोड़ी देर में अचानक से एक हवा आई और उसको उड़ा ले गई। तो वो तोता जो था कहीं पर जाकर गिर गया और वो अपना पिंजड़ा ढूंढने लगा वहां जाके भी। तो समझ नहीं आया, उसे पिंजड़ा नहीं मिला, वो एक पेड़ की डाली पे बैठा और रोने लगा जोर जोर से। तो कबूतर उस पेड़ पे बहुत सारे रहते थे, उनका घोंसला था। उन लोगों ने पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो? तो पैरेट ने अपनी पूरी स्टोरी बताई तोते ने। तो जोर जोर से कबूतर उसका मजाक बनाने लगे, हंसने लगे, इसको उड़ना भी नहीं आता है, इसको ये भी नहीं आता है। तो एक कबूतर उसके पास आया और उसने बोला कि तुम क्यों जाना चाहते हो पिंजड़े में? हम लोगों जैसी जिंदगी जियो, स्वतंत्र, बिल्कुल हम लोग उड़ते हैं, मस्ती करते हैं, यहाँ आ जाते हैं। तो तोते को वो बात समझ आई। कबूतर ने बोला कि ये जो नीला आसमान है, वो तुम्हारी काबिलियत देखना चाहता है, तुम्हारी उड़ान देखना चाहता है, और तुम हो कि पिंजड़े में जाने की पड़ी है। तो उस तोते को समझ में आ गई बात और उस दिन से वो उड़ना शुरू कर दिया और बहुत अच्छे से उड़ने लगा। तो फ्रेंड्स, हमें भी अपने दायरे को बड़ा करना है, हमें भी बाहर की दुनिया देखना है, हमको भी थोड़ा सा अपने आप में चेंज लाके बाहरी दुनिया के बारे में जानना है, तो हमें उड़ना पड़ेगा। बीच में हम चाहे कितना ही गिरे, लेकिन हमको संभल के अगर आगे जाना है तो इस स्टोरी से हमें समझ आ जाएगा कि हम किस तरीके से आगे जा सकते हैं। स्टे अवे फ्रॉम निगेटिविटी, हमें अपने आप को चेक करते रहना है। अगर हमारे अंदर निगेटिविटी आ रही है, इसका मतलब हमारे आसपास भी कुछ निगेटिव लोग हैं, क्योंकि हम लोग एक रिफ्लेक्शन होते हैं, अपने सराउंडिंग का एक रिफ्लेक्शन हमारे अंदर दिखाई देता है, वो निगेटिव है या पॉजिटिव।
आपके आसपास के लोगों का रिफ्लेक्शन, ये वैसे भी ये कहा जाता है कि अगर पांच दोस्तों के बारे में, पांच दोस्तों के नाम कोई बता दे तो उसका फ्यूचर बता सकते हैं, क्योंकि उनका असर उसके ऊपर जरूर पड़ जाता है। हमेशा वैसे लोगों से दोस्ती करो जैसा हम बनना चाहते हैं। हमें हमेशा ऐसे लोगों से राय लेनी चाहिए या दोस्ती करना चाहिए या बातें करना चाहिए जिन लोगों जैसा हम बनना चाहते हैं। ये इस निगेटिव लोगों से दूरी बनाए एंड पॉजिटिव लोगों से का साथ रखें, जिसकी वजह से हम भी थोड़ा आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। अ बैड एटीट्यूड इज लाइक ए टायर, फ्लैट टायर, यू कांट गो एनीवेयर विदाउट चेंजिंग। अगर हमारा बैड एटीट्यूड है तो वो एक ऐसे टायर के जैसे है, फ्लैट टायर के जैसे, कि उसको हम गाड़ी को आगे ले ही नहीं जा सकते, हम आगे कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। हमको बिना चेंज किए अपने आप को, अगर हमारे अंदर निगेटिव एटीट्यूड है तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। बिना चेंज किए आगे जाना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। If you have a spare wheel, your car not stop, means you prepare this danger. हम लोग अगर एक स्पेयर व्हील रखते हैं अपने साथ में तो हमारी गाड़ी कभी नहीं रुकेगी। यानी हमें जो प्लानिंग करनी है वो दो तरीके से प्लानिंग करनी होती है। एक तो अगर एक प्लान फेल हो जाए तो प्लान बी से हम आगे जा सके। इसलिए फ्रेंड्स हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। जिंदगी में कोई भी काम करने से पहले उसे सोचना पड़ता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि हम काम कर लें फिर सोचें। पहले तो हमें सोचना ही पड़ेगा कि हम कैसे, किस तरीके से काम करें कि हम आगे जाएं। अगर मैं बात करूं तो कुछ वेल नोन इन्वेंटर्स हैं जिन्होंने नई नई चीजें इन्वेंट की हैं, आविष्कार किए हैं। फ्रेंड्स इन लोगों को काफी प्रॉब्लम आई इस आविष्कार करते वक्त, बहुत बार फेल हुए, लेकिन इन्होंने अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखा और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये बार बार उसी के ऊपर काम करते गए और इनको रिजल्ट मिल गया, इनको पूरी दुनिया जानने लगी। तो हम लोगों को भी पॉजिटिव एटीट्यूड रख के ही प्रॉब्लम्स कितनी भी आए लेकिन आगे बढ़ना होगा। इन सारे आविष्कारों ने पहले सोचा या पहले आविष्कार किया? सही सोचा आपने, पहले इन लोगों ने सोचा उसके बाद आविष्कार किया। अगर मैं बात करूं राइट ब्रदर्स की, तो इन्होंने जब सोचा कि एरोप्लेन हवा में उड़ाए, एक फ्लाइंग मशीन बनाए, तो सब लोगों ने इनका बहुत मजाक बनाया और बोला कि ये लोग कैसे हवा में उड़ा लेंगे इतनी भारी चीज को। तो आइए थोड़ा सा इनकी स्टोरी हम देखते हैं। दोस्तों प्राचीन काल में जब मनुष्य पक्षियों को आकाश में उड़ता हुआ देखता था तो उसका भी मन करता था कि वह आकाश में इन पक्षियों की तरह ही उड़ सके, पर लाख कोशिश करने के बाद भी वह ऐसा नहीं कर पाता था। दोस्तों इंसानियत के इस सपने को साकार किया राइट ब्रदर्स ने। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे हवाई जहाज के आविष्कारक राइट ब्रदर्स की कहानी। ऑर्विल राइट और विल्बर राइट को राइट ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, जो अमेरिका के रहने वाले थे। इन्हें हवाई जहाज का आविष्कारक कहा जाता है। इन्होंने 17 दिसंबर 1903 को संसार की सबसे पहली सफल मानवीय उड़ान भरी, जिसमें हवा से भारी विमान को नियंत्रित रूप से निर्धारित समय तक संचालित किया गया। इसके बाद के दो वर्षों में अनेक प्रयोगों के बाद इन्होंने विश्व का प्रथम प्रैक्टिकल फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट तैयार किया। ये प्रायोगिक विमान बनाने और उड़ाने वाले पहले आविष्कारक तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने हवाई जहाज को नियंत्रित करने की जो विधियां खोजी उसके बिना आज का वायुयान संभव नहीं था। इस आविष्कार के लिए आवश्यक यांत्रिक कौशल इन्हें कई वर्षों तक प्रिंटिंग प्रेस, बाइसिकल, मोटर और अन्य कई मशीनों के साथ काम करते करते मिला। बाइसिकल के साथ काम करते करते इन्हें विश्वास हो गया कि वायुयान जैसे असंतुलित वाहन को भी अभ्यास के साथ संतुलित और नियंत्रित किया जा सकता है। साल 1900 से 1903 तक इन्होंने ग्लाइडरों पर बहुत प्रयोग किए, जिससे इनका पायलट कौशल विकसित हुआ।
इनके बाइसिकल की दुकान के कर्मचारी चार्ली टेलर ने भी इनके साथ बहुत काम किया और इनके पहले यान का इंजन बनाया। जहां अन्य आविष्कारक इंजन की शक्ति बढ़ाने पर लगे रहे, वहीं राइट ब्रदर्स ने आरंभ से ही नियंत्रण का सूत्र खोजने पर अपना ध्यान लगाया। इन्होंने वायु सुरंग में बहुत से प्रयोग किए और सावधानी से जानकारी एकत्रित की, जिसका प्रयोग कर इन्होंने पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली पंख और प्रोपेलर खोजे। इनके पेटेंट में दावा किया गया है कि इन्होंने एरोडायनेमिक नियंत्रण की नई प्रणाली विकसित की है जो विमान की सतहों में बदलाव करती है। अनेक अन्य आविष्कारकों ने भी हवाई जहाज के आविष्कार का दावा किया है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि राइट ब्रदर्स की सबसे बड़ी उपलब्धि थी 3-एक्सिस कंट्रोल का आविष्कार, जिसकी सहायता से ही पायलट विमान को संतुलित कर सकता है और दिशा परिवर्तन कर सकता है। नियंत्रण का यह तरीका सभी विमानों के लिए मानक बन गया और आज भी सभी तरह के प्रैक्टिकल विंग एयरक्राफ्ट के लिए यही तरीका उपयुक्त होता है। राइट ब्रदर्स का जन्म ओहायो के नगर डेटन में हुआ था। वे हमेशा यंत्रों में रुचि लेते थे और साइकिल मरम्मत की दुकान चलाते थे। वर्ष 1896 में लिलियंथल की मृत्यु और किताबों में उड़ने के विषय में चल रहे प्रयोगों के बारे में पढ़कर उनमें इस बारे में रुचि जागृत हुई। उन्होंने बिना किसी सोच विचार के अपना वायुयान बनाने का निश्चय कर लिया। प्रयोगों में लगाने के लिए उनके पास धन नहीं था, उन्हें तो इसके खतरों के बारे में भी ज़्यादा पता नहीं था। उन्होंने तय किया कि वे पक्षियों की उड़ान का अध्ययन करेंगे और इसके साथ ही उन्होंने तब तक बन चुकी सारी उड़ान मशीनों का भी अध्ययन कर लिया। राइट बंधुओं ने हमेशा अपनी मशीनें स्वयं बनाई। सबसे पहले उन्होंने एक ग्लाइडर बनाया जिसे वे पतंग की तरह उड़ाते थे। इसे लीवरों की सहायता से ज़मीन पर रस्सियाँ बांधकर नियंत्रित किया जाता था। इस प्रकार उन्होंने उड़ान के सिद्धांतों का अध्ययन कर लिया और यह भी सीख लिया कि हवा में मशीन को कैसे चलायमान रखा जाए। इसके बाद उन्होंने एक मानव युक्त ग्लाइडर बनाया। इसे उन्होंने लिलियंथल की भांति ही पहाड़ी से कूदकर उड़ाया। इस ग्लाइडर को हवा में तैराना तो आसान था, लेकिन अपनी मनमर्जी से उसे उड़ाना और उसका संतुलन बनाए रखना मुश्किल था। सुरक्षा की दृष्टि से प्रयोग जारी रखने के लिए वे 1900 में नॉर्थ कैरोलिना में एक एकांत स्थल में चले आए। वहाँ ऊंची रेतीली पहाड़ियाँ थीं, इस प्रकार वे कठोर पथरीली जमीन पर गिरने से बच सकते थे। अगले 2 सालों में उन्होंने लगभग 2000 बार अपने ग्लाइडर में उड़ान भरी, जिनमें से सबसे लंबी उड़ान 600 फीट की दूरी तक गई। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चरण था ग्लाइडर को प्रोपेल करना। साल 1903 में उन्होंने तरल ईंधन से चलने वाली एक मोटर बनाई और उसका परीक्षण करने के लिए वे पुनः नॉर्थ कैरोलिना गए। उन्हें यकीन था कि उनकी मशीन काम करेगी, लेकिन उन्होंने इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की। उनकी पहली उड़ान केवल 12 सेकंड के लिए ही थी, लेकिन मानव के इतिहास में ये पहली उड़ान थी जिसमें एक मशीन ने स्वयं गति करके हवा से भारी विमान को मानव सहित उड़ा लिया था। कुछ समय हवा में नियंत्रित रहने के बाद उनका विमान बिना किसी नुकसान के नीचे उतर गया। उसी दिन उन्होंने 2 और प्रयास किए जो कुछ अधिक समय के थे। उनकी चौथी उड़ान 59 सेकंड्स की थी और उसने 12 मील की रफ्तार से चल रही हवा की दिशा में 835 फीट की दूरी तय की। तो राइट ब्रदर्स ने ये सब अपने शौक के लिए शुरू किया था, लेकिन इसमें सफलता मिलने पर वे इसके प्रति गंभीर हो गए। 1905 तक वे अपने प्रयोगों में इतने पारंगत हो चुके थे कि उन्होंने 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 24 मील की उड़ान भरी। अचरज की बात यह है कि इस समय तक उनकी उपलब्धियों के बारे में किसी को भी पता नहीं चला और किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका में इस बारे में कुछ नहीं छपा। जब लोगों ने उनकी 24 मील लंबी उड़ान के बारे में सुना तो बहुत कम लोगों ने इस पर विश्वास किया। साल 1908 में विल्बर राइट एक मशीन को फ्रांस ले गए। एक फ्रांसीसी समाचार पत्र ने विल्बर राइट को लंबी गर्दन वाले एक पक्षी के रूप में चित्रित किया और उनकी भद्दी से दिखने वाली मशीन का भी मजाक उड़ाया। उसी दिन विल्बर ने हवा में 91 मीटर उड़कर 52 मील की दूरी तक उड़ने का कीर्तिमान बनाया। कुछ दिनों बाद उन्हें 2 लाख फ्रैंक का पुरस्कार दिया गया। इसके साथ ही फ्रांसीसी सरकार ने उन्हें 30 इंजन बनाने का ऑर्डर भी दे दिया। साल 1909 में विमानन के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई। ऑर्विल राइट वर्जीनिया से नॉर्थ कैरोलिना तक अपने विमान को उड़ा ले गए। NC-4 नामक एक अमेरिकी विमान ने 1919 में अटलांटिक सागर को पार किया।
दोस्तों आज तो प्रतिदिन हजारों विमान उड़ान भरते हैं और पायलट हर तरह के हैरतअंगेज कारनामे करके दिखाते हैं। एक मशीन में बैठकर उड़ना और उससे पृथ्वी को देखना सबके लिए रोमांचित कर देने वाला अनुभव होता है। राइट बंधुओं ने अपनी लगन और मेहनत के दम पर वह कर दिखाया जिसके सपने मानव चिरकाल से देखता आ रहा था। दुनिया वालों की नजरों से दूर बिना किसी यश या धन प्राप्ति की चाह के राइट ब्रदर्स अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करते रहे। विमानन के इतिहास में उनका नाम सदा के लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरीके से लोग ऐसी असंभव चीज को भी, आज भी अगर प्लेन में बैठते हैं तो एक बार को माइंड में तो आता ही है कि इतनी भारी प्लेन जो है वो हवा के अंदर जा रहा है। तो ये बात सोचिए आज से इतने सालों पहले कि कैसा लगता होगा सोच के, आज तो ये चीज बहुत कॉमन हो गई है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जो भी लोग हैं जो बस्तीज के अलावा कुछ ना कुछ इस तरीके का करते होंगे, या तो सर्विस करते हैं या किसी इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं या पार्लर का काम करते हैं या ड्राइविंग का काम करते हैं या स्मॉल कोई शॉप खोलते हैं या स्मॉल बिजनेस करते हैं। बस्तीज के साथ साथ इस तरीके से कुछ ना कुछ हम सब लोग करते हैं। तो क्या ये सब करते हुए ये सारी चीजें पॉसिबल हैं जो कि हम देखें कि हमारा मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम, हेल्थ के साथ में वेल्थ, फॉरेन ट्रिप, लग्जरी गाड़ियां, अच्छा घर, ये सारी चीजें क्या पॉसिबल हो सकती हैं? ये सारी चीजें क्या हमारे लिए नहीं बनी है? ये सारी चीजें हमारे लिए बनी है, लेकिन इसको अगर हमें लेना है तो अगर हमको लेना है हमें अपने विचारों को बदलना पड़ेगा, और विचारों को बदलोगे तो जिंदगी भी बदल जाएगी। इस तरीके से अगर हम बात करें कि नेटवर्क बिजनेस कैसा कैसे होता है, तो अगर अंबानी, टाटा, अदानी किसी को भी ले, इन लोगों ने नेटवर्क बनाया अपना, तभी आज वो लोग इस लेवल पे पहुंचे। हजारों एम्प्लॉई इनके यहाँ काम करते हैं, उनका एक एक सेकेंड का भी पैसा इन बिजनेसमैन के ऊपर पास जाता है। तो इन्होंने जो बिजनेस किया वो पैसों से किया, पैसों से फ्रेंचाइजी दी, लेकिन हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं ये बिल्कुल बिना पैसों के, बहुत कम इन्वेस्टमेंट के अंदर ये बिजनेस हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आइए थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी जान लें। भारत की सबसे नंबर वन जो कंपनी है वेस्टीज, इसका ऑफिस जरूर देखने जाइए, मैंने देखा हुआ है 500 से 1000 लोग हर दिन इस ऑफिस को देखने जाते हैं। 36,000 स्क्वायर फीट के अंदर ये ऑफिस बना है, और इस ऑफिस में अलग अलग सेमिनार्स हॉल हैं कैपेसिटी के हिसाब से, और बहुत सारे लीडर वहां पर मीटिंग्स भी कंटिन्यू लेते हैं। तो थोड़ा वेस्टीज के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। वेस्टीज में कैसे इन लोगों ने अपनी लाइफ चेंज की, जिन्होंने अपने घर, गाड़ियां, ये थोड़ी सी झलक में दिखाना चाहूंगी फ्रेंड्स, ये आप लोग देखिए। घूम रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम तो नहीं? इसमें बीच में कुछ करने का आगे बढ़ा दूं, आगे बढ़ा देती हूँ तो स्किप कर देते हैं। फ्रेंड्स, नेटवर्क की वजह से वो चीजें जो मैं दिखाना चाहती थी नहीं देख पाए, कोई बात नहीं। ये आपको कुछ सालों के मेहनत करने के बाद नेटवर्क बिजनेस जो है
वो आपको पैसा भी देता है और हेल्थ भी देता है, लेकिन शर्त यह है कि हमें इसको सीखना पड़ेगा। बिना सीखे जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं ये आगे नहीं बढ़ रहा है। बिना सीखे हुए अगर नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो फेल होते हैं। फेल उस समय हमें बार बार सीखते हुए अपने आप को पॉजिटिव रख के आगे बढ़ना होता है। अगर मैं बात करूं कि हाउ टू सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, तो बहुत सारी चीजें होती हैं सक्सेस के लिए। मैं कुछ चीजें यहाँ डिफाइन करूंगी, बाकी बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन मिलता है तभी जाके हमें सक्सेस मिलती है। सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा, ड्रीम्स हमारे देखने होंगे। बिना देखे बिना सोचे हमें कभी भी वो चीजें हासिल नहीं होती, तो पहले हमें ड्रीम्स देखना है, पॉजिटिव रवैया रखना है अपना, पॉजिटिव यूज ऑफ योर टाइम, हर टाइम को हमें यूज करना है पॉजिटिव तरीके से, वेस्ट नहीं करना है, कंसिस्टेंसी रोज करने की आदत हमको डालनी होगी, ट्रस्ट करना होगा अपनी टीम के ऊपर, अपलाइन डाउनलाइन के ऊपर। फ्रेंड्स, कभी भी अगर अपलाइन अपने फायदे के लिए, अगर डाउनलाइन का कभी भी ट्रस्ट खो देती है तो वो वापस नहीं आता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ी चीज है ट्रस्ट, जो आपस में एक दूसरे के लिए बनाए रखना होगा। डेडिकेशन, अपनी टीम के प्रति समर्पण का भाव, सेल्फ एक्सेप्टेंस, काम के लिए खुद की दिल की स्वीकृति होना चाहिए, दिल से करना चाहिए हमको ये सारे काम, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो हम आगे लीडरशिप नहीं आगे बढ़ा सकते, हम वहीं घूमते रहेंगे, हमारा आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। और अपनी टीम की केयर करना होगी। हाउ टू इम्प्रूव योर एटीट्यूड फॉर नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस, हमें अपना कैसे इम्प्रूव करना होगा एटीट्यूड। सबसे पहले तो सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, हमें उन लोगों के बीच में रहना होगा जो पॉजिटिव हैं, जो सक्सेस हो रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों के बीच में अपने आप को रखना पड़ेगा, उनसे टच में रहना पड़ेगा। रीड द लिसन पॉजिटिव थिंग्स, और हमें अच्छी अच्छी चीजें वीडियोस वगैरह सुनने होंगे, अच्छी चीजें आगे बढ़ने वाली जो चीजें होती हैं उनको पढ़ना होगा। स्माइल बहुत मायने रखती है, स्माइल अगर हम रखते हैं तो हमारे अंदर से एक पॉजिटिविटी झलकती है। कनेक्ट विद टीम, और हमें अपनी टीम से कनेक्ट भी रहना होगा। डू समथिंग नाइस फॉर टीम, हमको कुछ ना कुछ अपनी टीम के लिए करते रहना होगा। कीप योर टीम बिजी इन बिजनेस एक्टिविटी, और हमें उनको बिजनेस एक्टिविटी में बिजी भी रखना होगा, और एक रोल मॉडल बन के हमें दिखाना पड़ेगा बाकी नेटवर्कर्स को। अब मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी, दिखाना चाहूंगी, क्योंकि पेशेंस बहुत बड़ी चीज है। नेटवर्क बिजनेस में पेशेंस नहीं होता तो हम कभी कभी सक्सेस मिलने वाली होती है उससे पहले ही हम अट जाते हैं वहां से, और हमें वो चीज नहीं मिल पाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने जानबूझ के स्टोरीज रखी हैं, मैं बोलने की जगह मैं दिखाऊंगी, तो थोड़ा सा ये देखिए कि अगर हम पेशेंस रखते हैं तो किस तरीके से हमें वो सारी चीजें मिल जाती हैं। प्रेरणा कथा, एक और प्रयास। एक बहुत ही निष्ठावान पुजारी थे, वो एक गांव के एक मंदिर के संरक्षक थे। एक दिन वो किसी काम से शहर जा रहे थे, रास्ते में उनको एक स्थान पर एक बड़ा सा पत्थर दिखा। पुजारी जी ने सोचा कि उस पत्थर से गांव के मंदिर के लिए बहुत अच्छी मूर्ति बनवाई जा सकती थी। उन्होंने अपने आदमियों को बुलवाकर वो पत्थर मंदिर में भिजवा दिया। शहर से वापस आने के बाद उन्होंने एक प्रसिद्ध मूर्तिकार को बुलवाया और उसको उस पत्थर में से भगवान की एक सुंदर और बड़ी मूर्ति बनाने को कहा। वो एक तक्ष मूर्तिकार था। उसने तुरंत की छेनी और हथौड़े से उस पत्थर को काटने के लिए प्रहार करना शुरू कर दिया। मूर्तिकार को मालूम हो गया कि वो पत्थर बहुत ही कठोर था। मूर्तिकार लगातार अपने हथौड़े से प्रहार करता रहा, परंतु उसकी छेनी उस पत्थर को काटने में असफल हुई। मूर्तिकार पसीने पसीने हो चुका था। उस मूर्तिकार ने 99 प्रहार किए, परंतु वह बड़ा पत्थर नहीं टूटा।
अंत में हार कर उसने पुजारी से क्षमा मांग ली और अपने औजार लेकर अपने घर वापस चल गया। पुजारी भी उदास हो गए। अगले दिन उन्होंने मंदिर के पास रहने वाले एक साधारण से मूर्तिकार को बुलाया और उस पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाने को कहा। उस मूर्तिकार ने एक हथौड़ा मारा और वो पत्थर टूट गया। वास्तव में पहले के 99 प्रहारों के कारण वो पत्थर कमजोर हो चुका था। दूसरे मूर्तिकार ने बड़े आराम से उस पत्थर को छेनी हथौड़े से काटकर एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बना दी। पुजारी उस सुंदर मूर्ति को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गया। पुजारी जी को पहले वाले प्रसिद्ध मूर्तिकार की याद आई। वो सोचने लगे कि काश उस मूर्तिकार ने एक प्रहार और किया होता, वो एक प्रयास उस पत्थर को तोड़ देता और वो भी मूर्ति बनाने में सफल हो गया होता। मित्रों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। बहुत से लोग हमेशा से शिकायत करते रहते हैं कि उन्होंने बहुत से प्रयास किए पर वो अपने काम में सफल नहीं हो सके। सच्चाई तो यह है कि ज्यादातर लोग अंतिम प्रयास से पहले ही रुक जाते हैं और हार मान लेते हैं। अपने प्रयास को कभी मत रोकिए। हो सकता है कि एक और प्रयास से आप सफल हो जाए और आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए। अपने प्रयास को कभी भी मत रोकिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Why attitude matters in network marketing? सबसे पहले हम उन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जो लोग पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। हमको बिजनेस में या जीवन में बहुत दूर तक ले जाता है ये। हम उन लोगों से खरीदना या मिलना पसंद करते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं। तो इसके विपरीत निगेटिव लोग अगर हमारे सामने आते हैं तो हम उनसे ना तो बिजनेस के थ्रू जुड़ना चाहते हैं ना हम ऐसे लोगों से कुछ खरीदना चाहते हैं। तो बहुत जरूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमें पॉजिटिव एटीट्यूड का बहुत अच्छा रोल है जो कि हमें हर समय चेक करेगा, हमारा एटीट्यूड चेक करेगा कि कैसा है। आगे बढ़ते हुए द पावर ऑफ ऑप्टिमिज्म, आशावादी जो लोग होते हैं उनके अंदर एक पावर होती है और वो पावर किस तरीके से काम करती है। आशावादी लोग जो होते हैं वो हर खराब चीजों में से भी अच्छी चीज ढूंढ निकालते हैं, किसी भी परिस्थिति में स्वस्थ विकल्प सॉल्यूशन निकाल लेते हैं उसका, और किसी भी चीज को बड़े नजरिए से देख लेते हैं। जो लोग आशावादी हैं चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी झुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये आसान काम नहीं होता। आशावादी लोग बढ़ जाते हैं क्योंकि वो चीजों को पॉजिटिव की तरह देखते हैं और बाधाओं और चुनौतियों के समाधान की तलाश करते हैं। आशावादी लोगों से बातचीत करने के बाद हम अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं, ऊर्जावान फील करते हैं। तो ये हमारी पावर होती है आशावादी रहने की, ऑप्टिमिस्टिक रहने की। और सबसे बड़ी चीज, हमको स्टॉप करना होगा अगर प्रोग्रेस करना है, आगे बढ़ना है तो हमको स्टॉप करना होगा प्रॉब्लम के बारे में। प्रॉब्लम के बारे में हमेशा अगर आप बात करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप सिर्फ वहीं तक रह जाएंगे। बल्कि सॉल्यूशन के ऊपर बात करें, प्रॉब्लम से ज्यादा सॉल्यूशन हमें ढूंढना है कि प्रॉब्लम सबको आती है लेकिन हमें सॉल्यूशन पे ज्यादा से ज्यादा बात करना है और आगे बढ़ना है। कभी भी फ्रेंड्स प्रोस्पेक्ट खराब नहीं होता बल्कि उसका टाइम खराब होता है। हमें लगातार फॉलो अप करना चाहिए और सही समय आने का इंतजार करना चाहिए। जब सही समय आता है तो वो प्रोस्पेक्ट हमारे साथ जुड़ जाता है। जो लोग हमें उल्टा सीधा बोलते हैं, पत्थर फेंकते हैं हमारे ऊपर, ऐसे लोगों के पत्थर को इकट्ठा करके हमें ब्रिज बनाना है, एम्पायर खड़ा करना है, तो कभी भी ऐसे लोगों को हमें जवाब नहीं देना है बल्कि शांति से उन चीजों को टैकल करना है। कुछ मिलेनियल लोग जो होते हैं उनकी हैबिट्स अलग होती है, नॉर्मल लोगों से उनकी हैबिट थोड़ी अलग होती है। जैसे बिल्ड द राइट माइंडसेट, वो अपना पूरा माइंडसेट को बिल्ड करते हैं। कुछ पैसा बचाते हैं क्योंकि बिजनेस में कभी कभी हमें इन्वेस्ट भी करना होता है थोड़ा पैसा, तो उस पैसे को हम बचा लेते हैं। और गो टू सेमिनार्स एंड नेटवर्क, प्रोवाइड वैल्यू टू अदर्स, हम दूसरों को भी वैल्यू देते हैं। लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखते हैं
और सोच रखते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म माइंडसेट रखने वाले लोग कहीं आगे नहीं जा पाते, उनकी बहुत छोटी सी सोच होती है। तो लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखते हैं, बिल्ड मल्टीपल फ्लोज ऑफ इनकम, और हमें कई तरीके से इनकम आती है। ट्रेवल फंड के तरीके से इनकम ले सकते हैं, हाउस फंड के तरीके से इनकम ले सकते हैं, अलग अलग तरीकों से हमारे पास इनकम आती है। ऑलवेज लर्न एंड इम्प्रूव, और हमेशा जो मिलेनियल लोग होते हैं वो हमेशा सीखने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। हैव ए स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीव, और उनका विश्वास बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इन्वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट इट, हमें अपने समय को इन्वेस्ट करना है, ना कि वेस्ट करना है। हमेशा सही जगह सही चीजों के ऊपर अपना टाइम निकालना है। डोंट ट्राई टू गेट रिच क्विक, कभी भी हमें जल्दी अमीर बनने का नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जल्दी अमीर बनने के रास्ते बहुत हैं, लेकिन वो बहुत खराब है। इसलिए अगर हम तरीके से धीरे धीरे रिच बनते हैं तो हमारी स्टेबिलिटी भी रहती है। वर्क हार्ड एंड स्मार्ट, हमें बहुत कठिन परिश्रम करना है और स्मार्टली करना है। सेट लॉट्स ऑफ गोल, हमें धीरे धीरे छोटे छोटे गोल अपने बनाते जाना है, और बाय बैक टाइम, जो हमने टाइम को इन्वेस्ट किया है वो हमें वापस मिलता है। दे थिंक बिग, इन मिलेनियल लोगों के अंदर ये कुछ खासियत होती है जो उनके अंदर होती है। विदाउट पॉजिटिव एटीट्यूड सक्सेस इज कॉल्ड लक, अगर हम बिना पॉजिटिव एटीट्यूड के, कभी कभी ऐसा होता है कि सक्सेस हो जाते हैं, कुछ अच्छा हो जाता है, लेकिन फ्रेंड्स वो भाग्य होता है, वो लक होता है। बट अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम सक्सेस होते हैं तो उसको अचीवमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि वो लगातार होता रहता है। बाकी बिना पॉजिटिव एटीट्यूड के वो लक जो होता है वो कभी ही हो जाता है, गलती से लॉटरी खुल जाती है। तो ये चीज है। अगर मैं बात करूं बिल गेट्स की, तो ये किसी समय में वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन रह चुके हैं, और इनका यही कहना है कि अगर मुझे फिर से मौका मिले तो मैं एक अच्छा नेटवर्क बनाऊंगा, नेटवर्किंग करूंगा। फ्रेंड्स, जो एम्प्लॉई लोग होते हैं, जो सर्विस क्लास लोग हैं और जो बिजनेस क्लास हैं, उनमें ये डिफरेंस होता है कि शुरू में इनकम सर्विस वालों को बहुत ज्यादा मिलती है और फिर वो उसी के आसपास घूमती है, उनका ग्राफ सीधे चलता है। इसी तरह जो बिजनेस करते हैं उनकी इनकम शुरू में ना के बराबर होती है, बहुत छोटी इनकम होती है, लेकिन धीरे धीरे वो मल्टीप्लाई होके बहुत ज्यादा चली जाती है आगे। तो ये दोनों के लिए ग्राफ है, सर्विस वाले और बिजनेस वाले लोगों के अंदर। जो MLM लीडर्स होते हैं उनको शुरू में मेहनत करनी पड़ती है, शुरू में मेहनत करने के बाद उन्हें इतना टाइम मिलता है कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, लर्न कर सकें, बहुत सारी चीजें सीख सकें, जबकि सर्विस में वो चीजें पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया कि आपकी डिजायर कितनी, डिजायर के अंदर स्ट्रेंथ कितनी है। जब तक आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आपकी ताकत बहुत ज्यादा, अब सोच लिया हमको क्राउन बनना है, लेकिन उसकी भूख जब तक नहीं है तब तक हम वो चीज जल्दी जल्दी नहीं कर सकते, बस बोलते रह जाएंगे हम बन नहीं पाएंगे। तो इसी तरह आप देख रहे हैं कि एक पॉट के अंदर जो फिश है उनमें से एक फिश की डिजायर बहुत स्ट्रॉन्ग थी और उसने छलांग लगा दी, वो दूसरे पॉट में जाने के लिए रेडी हो गई। तीन चीजें लाइफ में हमको, गुड लाइफ के लिए तीन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लर्निंग, अर्निंग एंड ईयरनिंग, सीखना, कमाना और कमाने की भूख, तड़प। ये तीनों चीजें अगर हैं तो हमारी लाइफ जो है बहुत अच्छी हो सकती है। पहले हमको लर्न करना है, बाद में हमको अर्न करना है। तो पहले लर्निंग के साथ में अगर एल को रिमूव करते हैं तो हमारी अर्निंग ही बचती है। लर्न करने के बाद हमें हमेशा अर्निंग आना शुरू हो जाती है। पॉजिटिव चीजों के अंदर फ्रेंड्स, अगर हम नेगेटिव सिचुएशन में भी अगर पॉजिटिव सोच सकते हैं तो ये हमारी एक तरीके की लीडरशिप होती है। एटीट्यूड इज द की टू ऑल सक्सेस। फ्रेंड्स, एटीट्यूड तो हर जगह है, एवरीथिंग इज एटीट्यूड। मतलब आप
इससे हट नहीं सकते। किसी भी सक्सेस में आपका ये चेक होगा कि आप कैसा एटीट्यूड रखते हैं। योर एटीट्यूड इज लाइक ए प्राइस टैग, शोज हाउ वैल्यूएबल यू आर। हमारा एक प्राइस टैग होता है कि हम कितने वैल्यूएबल हैं, और ये सिर्फ एटीट्यूड ही मायने रखता है कि हम कितने वैल्यूएबल हैं। हमारा एटीट्यूड जैसा होगा वैसा ही प्राइस टैग हमारे ऊपर लगने वाला है। मैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगी। एक बार एक आदमी एक जंगल से गुजर रहा होता है, तो वो देखता क्या है कि वहां पे एक लोमड़ी होती है जिसके पैर नहीं होते, और लोमड़ी वहां पे पड़ी हुई होती है। ऐसा लग रहा होता है कि लोमड़ी मर जाएगी, पर वो देखता क्या है कि वहां पे शेर आ जाता है। अब जैसे शेर आ रहा होता है, वो आदमी एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, और वो देखता क्या है, शेर आया और उस लोमड़ी के सामने एक मांस का टुकड़ा छोड़कर चला गया। अब उसे लगता है ये क्या हुआ। अगले दिन वो फिर क्या देखता है कि लोमड़ी वहीं की वहीं होती है, पर फिर से शेर आता है, वो फिर छुप जाता है और शेर उसे एक मांस का टुकड़ा छोड़कर उस लोमड़ी के लिए चला जाता है। उसे लगता है कि मुझे ऊपर वाले का इशारा मिल गया, और उसे लगता है वो इशारा ये है कि मुझे भी उस लोमड़ी की तरह बैठ जाना चाहिए। ऊपर वाला हर किसी को रिस्क पहुंचा देता है, हर किसी को खाना पहुंचा देता है, तो मुझे भी ऊपर वाला जरूर देगा। तो वो वहां पे एक पत्थर के ऊपर बैठ जाता है और तपस्या करना शुरू कर देता है, मेडिटेशन करना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि मुझे अपने आप खाना मिल जाएगा। अब एक दिन निकल जाता है, दो दिन निकल जाता है, वो ऊपर वाले का ध्यान लगा रहा होता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता, कहीं से कुछ खाने पीने के लिए नहीं आता, इनफैक्ट पानी तक नहीं आता। तीन दिन निकल जाते हैं, चार दिन निकल जाते हैं, पर उस इंसान को ऊपर वाले पे भरोसा होता है। अब एक हफ्ते के बाद जब उस इंसान की मरने वाली हालत हो रही होती है, वहां से एक ऋषि मुनि निकल रहे होते हैं। अब वो ऋषि मुनि से पूछता है कि आप मुझे बताइए कि जब ऊपर वाला उस लोमड़ी को जिसके पैर भी नहीं है उसे भी रिस्क पहुंचा रहा है, तो मुझे क्यों नहीं पहुंचा रहा, मुझे कुछ नहीं मिला, मैं जबकि तपस्या कर रहा हूं, मेडिटेशन कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं मिला। तो ऋषि मुनि बोलते हैं तुमने ऊपर वाले का इशारा ढंग से समझा ही नहीं। बोलते हैं क्यों, ऐसा क्या हुआ। वो लोमड़ी को मिला, शेर देकर जा रहा था, मुझे तो कोई नहीं देखे गया, मुझे तो इशारा समझ आ गया कि लोमड़ी की तरह बनो। ऋषि मुनि बोलते हैं इशारा ये नहीं है कि तुम उस लोमड़ी की तरह बनो कि तुम्हें कोई आके डाल जाए खाना ये तू खा ले, इशारा ये है कि तुम उठो और उस शेर की तरह बनो कि तुम लोगों की मदद कर पाओ। लोगों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, जबकि आपको इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, आपको शेर की तरह बनना चाहिए कि आप लोगों के लिए कुछ करें। हाँ जी, तो हमें इंडिपेंडेंट बनना है और लोगों को हेल्प देने के लिए अपने आप को तैयार करना है, ना कि हमें कोई हेल्प दे। हम अगर आप मेरा देखें तो सिर्फ कंपनी से दीपक सर की हेल्प जरूर ली थी, बाकी मेरे अपलाइन में किसी की मैंने इतनी हेल्प नहीं ली। ऐसे ही हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं हमारी टीम के अंदर जो इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ रहे हैं, और वो बहुत आगे जाएंगे, मुझसे भी आगे जाएंगे, क्योंकि वो लोग इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, वो कोई आशा नहीं रख रहे। तो ये चीज है कि हमें इंडिपेंडेंट बनना है। अब जो मैं बिल ब्रिट की बात करूं, जो कि बहुत अच्छे नेटवर्कर रह चुके हैं अभी, जिन्होंने एमबे का भी ब्रिट सिस्टम बनाया था, तो उनका ये कहना है, उनका जो सीक्रेट है वो ये है कि अगर हम 1200 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो उसमें से 900 लोग जो है मना कर देते हैं और 300 लोग साइन करते हैं। 300 लोगों में से केवल 85 लोग थोड़ा इसको सीरियसली लेते हैं, थोड़ा सा इस पे ध्यान देते हैं, इसको कैरियर की तरह बनाते हैं। उसमें से 35 लोग ऐसे आते हैं जो बहुत सीरियस हैं और इसको अपना एज ए कैरियर लेके चलना चाहते हैं। उसमें से केवल 11 लोग जो होते हैं वो हमें मिलेनियर बना देते हैं। अगर मैं अपने नेटवर्क की बात करूं तो गिनती के लीडर्स हैं, लीडर्स बहुत गिनती के होते हैं। हम गलती क्या करते हैं, हम लोगों को 1200 तो छोड़िए 600 लोगों को भी प्लान नहीं दिखाते, इवन शुरू के 10 लोगों से ही बात करते हैं और वो निगेटिव हो जाते हैं, तो हम हार मान जाते हैं कि हमने 10 से बात की निगेटिव हो गए। तो फ्रेंड्स, ये जो रेशियो है ये माना हुआ है, ये एक सीक्रेट है। तो
तो हमें नंबर ऑफ पर्सन से ज्यादा मिलना होगा और ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना होगा, तब हम मिलेनियर बन सकते हैं। हु इज अ लीडर, हालांकि ये लीडर वाला जो पार्ट है ये बहुत ही ब्रॉड है, हम इसके ऊपर बहुत सारा सेशन अलग से कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें लीडरशिप के ऊपर मैंने लिखी हैं। जैसे लीडर्स आर दोज हु सॉल्व देयर प्रॉब्लम बाय देमसेल्फ। मेरी टीम में भी जो अच्छे लीडर्स हैं वो अपनी प्रॉब्लम ज्यादातर खुद सॉल्व करते हैं। द लीडर आस्क द सॉल्यूशन ऑफ ए अनसॉल्व प्रॉब्लम टू देयर अपलाइन, टेल देयर टीम टू देमसेल्फ। अगर जो प्रॉब्लम उनकी खुद से सॉल्व नहीं होती उसके बारे में वो अपलाइन से सॉल्यूशन मांगते हैं और अपनी टीम को वो सॉल्यूशन देते हैं, वो खुद देते हैं, ना कि वो अपलाइन का नंबर देते हैं कि इनसे बात कर लेना। वो खुद अपनी प्रॉब्लम पूछ के आगे बढ़ाते हैं। लीडर्स अटेंड ऑल सेमिनार्स ट्रेनिंग्स इन देयर एरिया। तो लीडर्स की ये भी खूबी होती है कि वो सारे मैक्सिमम सेमिनार्स और ट्रेनिंग अटेंड करना चाहते हैं। मेरी नेटवर्क में कुछ ऐसे लीडर्स रह चुके हैं पुराने, जिन्होंने क्राउन किया था किसी समय में, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग्स वगैरह नहीं अटेंड की, सेमिनार्स नहीं अटेंड किए, आज उनका बिजनेस कुछ भी नहीं है। तो ये अटेंड करते रहना चाहिए। लीडर्स मस्ट कैरी पेन एंड नोटबुक विद देम ड्यूरिंग सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग्स। लीडर्स कंडक्ट देयर ओन टीम सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग। वो अपनी भी सेमिनार्स खुद के भी करते रहते हैं बीच बीच में, जो बड़े इवेंट्स हैं उसके अलावा। लीडर्स आर दोज हु ऑलवेज ट्राई टू लर्न। वो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। लीडर्स आर दोज हु वॉच रीड मोटिवेशनल एजुकेशनल मटीरियल टाइम टू टाइम। ये लीडर्स की खासियत होती है कि वो अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। लीडर्स आर दोज हु हैव ट्रस्टवर्दी टू देयर टीम एंड अपलाइन। ट्रस्टवर्दी रहना फ्रेंड्स बहुत जरूरी है। जिस दिन ट्रस्ट खत्म हो जाता है उस दिन सब कुछ खत्म हो जाता है, तो ये ट्रस्टवर्दी हमको रहना चाहिए। लीडर्स आर वंस हु मेक देयर मंथली बिजनेस लेवल अचीव, और वो अपने मंथली जो लेवल होते हैं उसके उसको भी अचीव करते हैं। लीडर्स आर दोज हु ऑलवेज कीप देयर टीम मोटिवेटेड, और बीच बीच में वो अपनी टीम को मोटिवेटेड भी करते हैं। अ ग्रेट एटीट्यूड बिकम्स ए ग्रेट मूड, अ ग्रेट मूड बिकम्स ए ग्रेट डे, अ ग्रेट डे बिकम्स ए ग्रेट ईयर, अ ग्रेट ईयर बिकम्स ए ग्रेट लाइफ। तो कहना ये है, चाहते हैं कि A great attitude becomes a great life. हमारा attitude अच्छा होगा तो हमारी life भी बहुत अच्छी होगी। Friends, मेरा ये मानना है कि किसी भी मंजिल से पहुंचने से पहले हमें उसकी जर्नी को भी एंजॉय करना चाहिए। तो मुझे एक MLM के ऊपर, मल्टी लेवल मार्केटिंग के ऊपर एक रैप सॉन्ग मिला है, जो कि आप लोग ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा है, मजा आएगा। मैं हमेशा जर्नी को एंजॉय करती हूँ, मंजिल तो मिल ही जाएंगी, तो आप लोग ये सुनिए थोड़ा। ABBY उसके सपने थे बड़े, उसे खुद पे था यकीन, कोई श्योर नहीं था, वो मोटिवेशन की मशीन। शुरू किया जब सफर, उसके साथ था हुनर, था वो सेल्फ मोटिवेटेड अपने सपनों की फिक्र। गया एक सेमिनार में जहां लोग सारे मैड, उसने पढ़ी थी किताब रिच डैड पुअर डैड, सब उड़ाते थे मजाक, लोग करने लगे वो उसके पैशन का सबने बनाया कोई जोक। घर वाले थे नाराज देख उसका ये अंदाज, रिश्तेदारों ने भी उसकी दबा दी फिर आवाज, जिनकी बातों पे यकीन तुझे छोड़ जाएंगे, देखे सपने जो तूने उसे तोड़ जाएंगे। फिर जोर से वो रोया उसकी आंखों में नमी, उसकी जेब थी खाली उसे पैसों की कमी, हो गया वो परेशान अपने बालों को नोच, कुछ लोग आए साथ जिनकी बड़ी थी सोच। फिर हो गया शुरू जीतने का सिलसिला, पहले लोग थे दो चार फिर बनाया काफिला, उसकी आंखों में थी आग उसकी बातों में तेजाब, जब क्रेज बढ़ा उसका आया जनता का सैलाब। देखते ही देखते काफी लोग जुड़ गए, जो ना करते थे यकीन उनके होश उड़ गए। फिर बाइक भी आई और आई फिर कार, उसको हल्के में लेते थे उसके सारे रिश्तेदार, उसकी बातें असरदार, है वो बंदा दमदार, है वो यारों का यार, लोगों से वफादार, इतने सालों में वो खुद को इम्प्रूव कर चुका है, जो करते थे बकवास उनको प्रूव कर चुका है। अब ना आंखों में नमी, ना है पैसों की कमी, उसकी नजरें आसमान पे नीचे पैरों के जमीन, उसने किया था तुम भी रखो सपनों पे यकीन, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ मोटिवेशन की मशीन।
कोई भी मौका जो करे अच्छा काम जमाना उस पे भोका जमाने की न सुनना तुम जमाना एक धोखा उनके बस की कुछ नहीं बस करते हैं बुराई न टैलेंट न स्किल बस बातें हैं चुराई वो है सिस्टम के जाल में कहे हमें आवारा ऐसे कितने लोगों को मैंने रिजल्ट से मारा मैं जीता वो हारा मुझे कहते आवारा उन्होंने सोचा भेड़ चाल से होते सारे काम बेचारा A B B Y उसके सपने थे। हाँ तो सबको मैं नमस्ते कहना चाहती हूँ और ये सॉन्ग बहुत पसंद आया होगा। आई थिंक मैं अश्विनी जी के हैंड ओवर करना चाहती हूँ। इस सेमिनार जो भी जो टॉपिक था मेरा वो मैंने लिया। कुछ भी मिस्टेक्स हो तो प्लीज बताइएगा, क्योंकि मिस्टेक्स बताने वाले लोग ही सच्चे होते हैं। तो आप लोग जरूर मेरी मिस्टेक्स बताइए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। यस, तो आपने देखा अभी प्रतिभा का प्रेजेंटेशन। इनके इस प्रेजेंटेशन पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सरप्राइज जो है वो आज रिवील करना है, बोलना है। और वो ये है कि नेक्स्ट वीक का अनाउंसमेंट ना, थर्सडे, आने वाले थर्सडे में कौन आज इस बार के प्रेजेंटर होने वाले हैं, तो स्लाइड में ही मौजूद है, चलिए आपको दिखा देते हैं। मिस्टर विक्की जायसवाल थर्सडे को हमारे साथ में यहाँ पे आ रहे हैं अपने इस सेशन में, जूम सेशन में, थर्सडे यानी कि 9 जुलाई 9 PM। तो सेशन मिस नहीं करिएगा, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं इनके बारे में, वेस्टीज एम्बेसडर और साथ ही साथ DUCD भी है। और आप लोग जानते हैं कि वॉरियर में कोर टीम के मेंबर हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ तो गुरशरण सिंह जी के बाद अगर सीनियर्स की लिस्ट में अगर नाम आता है तो आप ही का आता है। तो आने वाले थर्सडे को सब लोग रेडी रहिएगा। अभी मैं शेयरिंग को स्टॉप करते हूँ।